मैं पहले कच्ची मूंगफली भूनता हूँ और फिर इन्हें बेचता हूँ, क्योंकि मैं हूँ मूंगफली वाला। जहाँ मैंने ये छोटी सी भट्टी बना रखी है, मैं सुबह 9 बजे अपने उस ठेले पर पहुँच जाता हूँ और यहाँ एक चादर बिछा कर ढेर सारी कच्ची मूंगफलियाँ पलट देता हूँ। फिर कढ़ाई के नीचे लकड़ियों में आग लगा कर काले नमक के साथ मूंगफली भूनना शुरू करता हूँ और साथ में रखता हूँ ये जरूरी काम का सामान, जैसे तराजू, छोटी बड़ी पन्नियाँ, लिफाफे और सबसे जरूरी है नमक की पुड़िया, जो कि मैं घर से खुद बना के लाया हूँ। और साथ में मैं गजक और तिल सकरी भी रखता हूँ। यह पलटा जो कि मैं मूंगफली में चलाता हूँ। वैसे एक बार की मूंगफलियों को भूनने में आधा घंटा लगता है। फिर एक मूंगफली छील कर चेक करता हूँ, हाँ अब ये बिल्कुल तैयार है। और अब इस कढ़ाई में जितनी भी बेकार और जली हुई मूंगफलियाँ उन्हें मैं अलग निकाल कर फेंक देता हूँ। उसके बाद इस छन्नी से मूंगफलियाँ छानता हूँ और नमक इस कढ़ाई में छोड़ देता हूँ और इन मूंगफलियों को यहाँ रख के इस बोरी से ढक देता हूँ ताकि ये ठंडी ना हो। एक तरफ कस्टमर आते रहे और दूसरी तरफ मैं और मूंगफली भूनता रहा। एक कस्टमर 10 रुपए की मूंगफली लेके गए और एक भाई ने आधी किलो ली। इसी तरीके से मैं रात 10 बजे तक मूंगफलियाँ बेचता रहा। उसके बाद सामान समेट के मैंने कर दी दुकान बंद। अगली वीडियो में मिलूंगा नए रूप और नए तजुर्बे के साथ।